हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एच हाइट के टावर से प्रोजेक्टेड पार्टिकल की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पता करेंगे। ये अपने को एच हाइट का एक टावर दिया हुआ है। टावर से एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया है। ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए ग्राउंड पे लैंड करता है। इस लैंडिंग पॉइंट का टावर से डिस्टेंस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। अपने को इस आर की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, आर मैक्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपन आर मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को मैंने एल वेक्टर से डिनोट किया है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से कनेक्ट करने वाला वेक्टर। पार्टिकल को अपन ने एच हाइट के टावर से प्रोजेक्ट किया था, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल जहाँ पर लैंड कर रहा है यानी लैंडिंग पॉइंट हो जाएगा फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से कनेक्ट करने वाला वेक्टर ये है, जिसको मैंने एल वेक्टर से डिनोट कर दिया है। मान लेते हैं एल वेक्टर टावर के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल अपन थीटा ले लेते हैं। पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को मैं वी से डिनोट कर देता हूँ। वेलोसिटी ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। इनिशियल वेलोसिटी अपने को यू दिया हुआ था। दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में एंगल को मैं अल्फ़ा से डिनोट कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो इधर की ओर पॉइंट कर रही है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा अल्फ़ा। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। अगर एच हाइट के टावर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, अगर पार्टिकल फाइनली ग्राउंड पे लैंड कर रहा है, तो लैंड करते वक्त उसकी स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से अपने को इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सेम मिलेगी। जैसे मैं अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो इनिशियली पार्टिकल जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mgh, क्योंकि h हाइट के टावर पे है, उसको अपन ने u स्पीड से फेंका है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनली पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि वो ग्राउंड पे लोकेटेड होगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यानी पार्टिकल की फाइनल स्पीड ये आ जाएगी वी इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ। नेक्स्ट अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अपने को फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो मैं मान लेता हूँ टी इक्वल टू ज़ीरो पे अपन ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के बाद ये ग्राउंड पे लैंड कर रहा है। मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस जी वेक्टर इनटू टी। पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बराबर है। जी वेक्टर की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं, जी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। इसको अपन इक्वेशन टू बोल देते हैं। सिमिलरली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अपन ने एल वेक्टर से डिनोट किया है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ये है वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर
डिवाइडेड बाय 2 एन टू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब मैं जी वेक्टर और एल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो जी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, इसको अपन इक्वेशन 2 और 3 से ये लिख सकते हैं। जी वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइड बाय टी, क्रॉस एल वेक्टर की वैल्यू है वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर बाय 2 इनटू टी। अब टी से टी तो कट जाएगा, तो ये जो टी है इस टी से कट जाएगा, अपने पास राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा हाफ वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो अपने पास 4 टर्म आएंगी। पहले मैं इस वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस वी वेक्टर के साथ लूँगा, फिर वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यू वेक्टर के साथ, फिर माइनस यू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर के साथ, और फिर माइनस यू का क्रॉस प्रोडक्ट यू के साथ। तो अपने पास ये टर्म्स आ जाएंगी, हाफ वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैं वी वेक्टर के साथ ले रहा हूँ, तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ये पहली टर्म है, फिर वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यू वेक्टर के साथ लेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर, फिर माइनस यू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और लास्ट में अपन माइनस यू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यू वेक्टर के साथ लेंगे तो ये आएगा माइनस यू वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर। किसी भी वेक्टर का सेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अपने पास ब्रैकेट के अंदर 2 ही टर्म्स रह जाएंगी, हाफ वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, अपन वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर को ये लिख सकते हैं माइनस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो अगर मैं इसका यूज़ करूं तो जी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी। राइट हैंड साइड में अपन ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनको वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये भी आपकी वी क्रॉस यू के ही बराबर है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्वाइस वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर। 2 से 2 कट जाएगा, यानी मैं ये लिख सकता हूँ जी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर। अपन ने ये देखा था Z और L के बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल मैंने थीटा लिया है, जबकि U और V के बीच में एंगल अल्फा है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये लिख सकता हूँ, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अपने को वेक्टर दिया हुआ है। दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर। जी और एल के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जी एल साइन थीटा। सिमिलरली यू और वी के बीच में एंगल मैंने अल्फ़ा लिया है, तो यहाँ पे आएगा यू वी साइन अल्फ़ा। अब देखिए, अगर अपन इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, इसमें हाइपोटेन्यूस तो एल के बराबर है, जो परपेंडिकुलर है वो आर के बराबर है,
तो मैं आर को ये लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो जो एल साइन थीटा है उसको अपन आर से रिप्लेस कर देते हैं, अपने पास ये आ जाएगा, एल साइन थीटा की जगह आर पुट कर देते हैं, इसकी जगह आर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा जी इंटू आर इज इक्वल टू यू वी साइन अल्फा, यानी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ये आ जाएगी यू वी साइन अल्फा अपॉन जे। अब देखिए इस रेंज को अपने को मैक्सिमाइज करना है। मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि पार्टिकल की जो फाइनल स्पीड है वो कांस्टेंट होगी अगर अपन एच हाइट के टावर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। वी की वैल्यू ये रहेगी वी इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यू वी और जी ये तीनों तो कांस्टेंट हैं, अपन अल्फा को वेरी करा सकते हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू इस तरह से चूज करूँ ताकि साइन अल्फा 1 हो जाए, तो उस केस में रेंज मैक्सिमम होगी, यानी आर इज इक्वल टू आर मैक्स फेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तब रेंज मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू ये रहेगी आर मैक्स इज इक्वल टू यू वी अपॉन जे। मैं यहाँ पे वी की वैल्यू रख देता हूँ, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये आ जाएगी आर मैक्स इज इक्वल टू यू रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अपॉन जे। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज जब मैक्सिमम होगी तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।